कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं संयुक्ता। फेरी लगाकर मछली बेचने वाले राज्य के खुदरा मछली विक्रेताओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से फिश डोमेस्टिक योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भ्रमणशील खुदरा मछली विक्रेताओं को आइस बॉक्स के साथ साइकिल खरीदने के लिए प्रति इकाई लागत का 50% यानी 3,500 रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जिन कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है उनमें से एक है फिश डोमेस्टिक मार्केट योजना। इस योजना का लाभ वैसे मछली विक्रेता उठा सकेंगे जो विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर खुदरा मछली बेचने का काम करते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को आइस बॉक्स के साथ साइकिल खरीदने के लिए प्रति इकाई लागत का 50% यानी अधिकतम 3,500 रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार द्वारा रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले में बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 20 बकरा विकास केंद्रों के माध्यम से 20,000 पशुपालक के बकरियों के नस्ल सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। बकरा नस्ल सुधार योजना का कार्यान्वयन बैफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे द्वारा किया जा रहा है। ये योजना वर्ष 2009 से 14 तक चलने वाली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में लगभग 1,00,000 बकरियों में नस्ल सुधार का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ग्रामीण जिनके पास कम से कम 5 बकरियां हों उनका चयन सदस्य के रूप में किया जाता है। चयनित सदस्यों में से योग्य बकरी पालक को फील्ड गाइड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है और 50 बकरी या 10 से 15 लाभुकों के बीच एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा दिया जाता है। टमाटर की खेती कर रहे किसान फसल में लगने वाले फलछेदक कीड़ों के प्रति सतर्कता बरते। इन कीड़ों के शिशु और वयस्क फलों को छेद करके अंदर घुस जाते हैं और उसके गुद्दे को खाकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए डेसिस नामक कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। खासकर इस मौसम में लगे टमाटर फसल में फली छेदक कीड़ा लगने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस कीट के रोकथाम के लिए फूल लगने के समय ही मोनोक्रोटोफास कीटनाशी का व्यवहार करें या डेसिस दवा से बनाए घोल का छिड़काव भी फायदेमंद साबित होगा। जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे होंगे अभी उनके फसल पे फल वेदक कीट का प्रकोप होगा और फल वेदक कीट से नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डेसिस नाम की दवा 2 मिलीलीटर दवा पानी में घोल बना के छिड़काव करें। अगर ये नहीं मिलता है तो मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव फूल बनने की अवस्था में कर देंगे तो फल वेदक कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा। अपने राज्य में झाड़ीदार और लत्तेदार दोनों किस्मों के फ्रेंच बीन उपजाए जाते हैं। राज्य के किसान फ्रेंच बीन से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल, स्ट्रिंगलेस, केटिकी वंडर, बिरसा प्रिया और स्वर्ण लता नामक उन्नत प्रभेद लगाए किसान निश्चित रूप से शानदार उपज पाएंगे। फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। अगर अम्लीय मिट्टी वाली खेत है तो बुआई से 1 महीना पहले ही उसे चूने से उपचारित कर लें, तभी उन्नत प्रभेदों वाले फ्रेंच बीन लगाएं। बेहतर उत्पादन के लिए फ्रेंच बीन के झाड़ीदार किस्मों में पंत अनुपमा, स्वर्ण प्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस जैसे उन्नत प्रभेद लगाएं तथा लत्तेदार फ्रेंच बीन के लिए बिरसा प्रिया, केंटकी वंडर और स्वर्णलता नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। झाड़ीदार किस्मों की उपज 80 से 90 क्विंटल और लत्तेदार किस्मों की उपज 125 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पोटैटो डिगर यानी पशुचालित डिगर वो कृषि उपकरण है जिसका उपयोग आलू या मूंगफली की खुदाई करने के लिए किया जाता है। इस यंत्र से किसान द्वारा कुदाल या फावड़ा से की गई खुदाई की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 55% संचालन खर्च में बचत होती है। पशुचालित पोटैटो डिगर एक ऐसा उपकरण है जो एक जोड़ी बैल द्वारा संचालित होता है। इसका प्रयोग आलू एवं मूंगफली निकालने में करते हैं। गहराई का नियंत्रण करने के लिए गेज व्हील लगी होती है। इससे आलू के कंद सुरक्षित तरीके से निकाला जाता है। पारंपरिक तरीके से की गई आलू की खुदाई की तुलना में 60% मजदूरी में और 55% संचालन खर्च में बचत होती है।
कामयाबी उस किसान का कदम चूमती है जो अपनी खेतीबाड़ी के काम में पूरी ईमानदारी के साथ 100% समय देता है। किसान की निष्ठा और उसका समर्पण निश्चित तौर से उसके उपज में असर दिखाता है। दरअसल ये बातें उस किसान से जुड़ी हुई है जिनसे आज हम मिलने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने खेतीबाड़ी से जुड़े किसी भी काम की उपेक्षा नहीं करते, नहीं उस काम में विलंब करते हैं, हर काम को पूरी तल्लीनता के साथ संपन्न करते हैं। यही वजह है कि आज ये अपने पैदावार से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। जो 10 डिसमिल में 105 पौधा लगे हुए हैं और अच्छा उससे मेरा फल आ रहा है और कम जगह पर ज़्यादा पौधा लगा है जिससे उत्पादन मेरा ज़्यादा हो रहा है कम जगह पर ही, और उससे जो है मेरा परिवार अच्छा चल रहा है और इनकम जो है मेरा अच्छा हो रहा है। वही चीज़ अगर हम सघन बागवानी नहीं करते तो 10 डिसमिल में जो है मेरा 5-7 या 10 पौधा ही लगता जिससे मेरा उत्पादन कम होता, इनकम मेरा आय कम होता। बागवानी करके आज हम काफ़ी खुश हैं, अपना परिवार का भरण पोषण अच्छा तरह से कर रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24.2 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25.6 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार हैं। चावल मोटा 2000 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2300 रुपए, चावल उत्तम 2400 रुपए से 2500 रुपए, गेहूँ 1400 रुपए से 1500 रुपए, चना 4250 रुपए से 4550 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7000 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4600 रुपए, दाल चना 5700 रुपए से 6100 रुपए, सरसों तेल 10300 रुपए से 10350 रुपए, चीनी 3600 रुपए से 3650 रुपए, आलू 1250 रुपए से 1350 रुपए और प्याज 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ।
नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, सूचना क्रांति के इस युग में शायद ही जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जो बचा हुआ है। जाहिर सी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए गए हैं, तो अछूता कैसे रह सकता है कृषि का क्षेत्र भी सूचना क्रांति से। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में सूचना क्रांति से जुड़ा हुआ एक विषय है ई गवर्नेंस। आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में ई गवर्नेंस क्या है, इसके क्या फायदे हैं, आप इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं, इन तमाम विषयों पर हम आपको जानकारी देंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री जटाशंकर चौधरी जी, जो कि समिति के निदेशक हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और किसान भाइयों को भी जोहार। किसान भाइयों, आप इस विषय पर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो सीधे सीधे हमारे विशेषज्ञ से फ़ोन पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0651-228-4553। तो किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़िए और अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। सबसे पहले चौधरी साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि ई गवर्नेंस की बात जब आती है तो ई गवर्नेंस आखिर है क्या, ये किस तरह से किसान इसके बारे जाने। देखिए, ई गवर्नेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से यदि किसी व्यवस्था को हम संचालित करते हैं, किसानों से सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं और विभाग की तमाम सूचनाएं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से देते हैं, तो मोटे तौर पे ई गवर्नेंस उसको आप इसी को कहा जाता है और इसी व्यवस्था को लागू करने की बात हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ताकि किसानों को इसका लाभ मिले। तो जैसे सरकार के द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया है, क्या झारखंड भी इसमें शामिल है और कृषि के क्षेत्र में किस तरह से ये जुड़ा हुआ है। बिल्कुल किसान भाइयों, झारखंड में भी इसको लागू कर दिया गया है। पूरे देश में 7 राज्य हैं जिसमें कृषि के क्षेत्र में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम भी लागू किया गया है, उसमें झारखंड भी एक है। अन्य राज्य असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, तो झारखंड भी एक है। और झारखंड में हम लोग सभी ज़िलों में इसको लागू करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग इसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्द ही यह प्रोजेक्ट जो है यह किसानों के लाभ के लिए वो तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी कार्यक्रम चलाया जाता है तो कुछ उद्देश्यों के साथ चलाया जाता है, तो ई गवर्नेंस के भी निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य होंगे। उद्देश्य क्या है ई गवर्नेंस के? देखिए, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट जो है उसका कई उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि ऐसा वातावरण तैयार करना, चूंकि यह युग जो है वो सूचनाओं का युग है। हम इस विषय पर बात करेंगे। एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या प्रश्न है आपका? जी एक बार आप अपना प्रश्न फिर से दोहरा दें। ई गवर्नेंस के बारे ही जानना चाहते हैं आखिर ये ई गवर्नेंस जो है, वही हम बता रहे हैं आपको, आप थोड़ी उसका ध्यान से सुने कि इसका जो उद्देश्य है ई गवर्नेंस के, चूंकि आपके लिए ये नया विषय है लेकिन आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसका लाभ आपको लेना है, उसका उपयोग आपको करना है। जैसे कृषि में आप करते हैं या कृषि से संबंधित कोई भी व्यवसाय करते हैं, उसमें कृषि उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। आप बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, दवाएँ लेते हैं और सारी चीज़ें आपको, कृषि औजार उपकरण की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सबों की सूचना आपके पास बहुत हद तक नहीं हो पाती है, जिससे कि आप इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। और इस तरह के पारंपरिक माध्यम से सूचना देने में देरी होती है, बहुत सारी सूचनाएं आपको नहीं मिल पाती हैं। लेकिन जब ई गवर्नेंस प्रोग्राम हम लोग लागू करेंगे
तो आपको अच्छा बीज कहाँ मिल जाएगा, दवा कहाँ मिलेगा, खाद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका जो दर है वो क्या होगा, ये सारा इंटरनेट के माध्यम से आपको उपलब्ध होगा। आपको यह जानकारी होगी कि प्रत्येक प्रखंड में हम लोग प्रखंड कृषि सूचना तकनीक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लगा रहे हैं ताकि जो भी राज्य से सूचनाएं हों किसानों के हित की वो तुरंत प्रखंड में उपचली जाए और वहाँ से हमारे किसानों को उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, हमको लगता है कि उद्देश्य भी कमोबेश यही है ई गवर्नेंस का। एक किसान भाई हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ सर जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि आसन कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, ये जो ई गवर्नमेंट का जो है बता रहे हैं आप सर जी, ये हमको जिला स्तर पर कहाँ मिलेगा, ब्लॉक में मिलेगा या तो फिर ये क्या कहते हैं इसको, जहाँ जिला में हम लोग को कृषि पदाधिकारी लोग बैठते हैं वहाँ पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर? देखिए, मैं बहुत प्रश्न है इनका। आपका प्रश्न मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि ये इसका लाभ कहाँ मिलेगा। तो इसका लाभ ब्लॉक स्तर पे किसानों को उपलब्ध होगा हर प्रखंड में। वही मैं बता रहा था कि कृषि सूचना देने के लिए वहाँ कृषि सूचना तकनीक केंद्र की स्थापना की जा रही है, वहाँ पर 3 कंप्यूटर रहेगा, वहाँ पर जो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक आत्मा प्रोग्राम से रखे गए हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ रखे गए हैं, तो वहीं पर वो उस पर रहेंगे और जो भी सूचनाएं होंगी वो ऑनलाइन होगा, वहीं से इंटरनेट के माध्यम से आप सूचनाएं किसान प्राप्त कर सकते हैं। उतना ही नहीं, हम लोग जो आप देखते होइएगा कि रेलवे स्टेशन पे कहीं कहीं सूचना का कियोस्क लगा रहता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन कियोस्क भी लगाने जा रहे हैं ताकि, और उस पर हम लोग किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी देंगे उसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, और उसके टच स्क्रीन पर वो जाकर के किस तरह की सूचना प्राप्त करनी है। जैसे कोई किसान भाई बीज की सूचना प्राप्त करेंगे तो उसमें जाके उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, खाद की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, जो कीटनाशक दवाएं हैं उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी खेती के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा उसकी सूचना है, उसके रहेगी भी तमाम जानकारियां वो वहां पर प्राप्त कर सकते। बिल्कुल नहीं, किसान भाइयों के लिए तो है ही। बिल्कुल, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो हेलो जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका? सर हम जानना चाहते हैं हम प्रखंड में जब जाएंगे जी जी, जैसे कीटनाशक चाहिए या किसी भी प्रकार की दवा चाहिए जी, तो कैसे प्राप्त होगा सर? वही मैं बता रहा था आपको कि वहाँ पे कृषि सूचना तकनीकी केंद्र की स्थापना हो रही है, उसमें सारी सूचनाएं हमारे किसानों को उपलब्ध होगी। वहाँ आत्मा प्रोग्राम के तहत BTM SMS जो अभी हैं वे वहाँ रहेंगे, वहीं पे कृषक मित्रों की बैठक होगी, वहीं पे जो जनसेवक प्रखंड कृषि पदाधिकारी सभी जुड़े रहेंगे उस केंद्र से। और उतना ही नहीं, वहाँ जो कृषि से संबद्ध क्षेत्र के पशुपालन पदाधिकारी हैं, उसमें जो मत्स्य के प्रसार पदाधिकारी हैं, ये सारे लोग उससे जुड़े रहेंगे और तमाम सूचनाएं वहीं पर उपलब्ध कराने की योजना हम लोगों ने बनाई है और उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। चौधरी साहब, अभी आप बता रहे थे कि उसमें कियोस्क लगाया गया है, किसान भाई वहाँ पर आएंगे, लेकिन जहाँ तक हम झारखंड के किसानों की बात करते हैं, यहाँ पर दूर दराज के इलाकों में किसान रहते हैं, एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि दूर दराज के इलाकों में जो किसान रहते हैं वो किस स्तर पर जाकर इसका लाभ उठाएंगे। जैसे एक हमारे किसान भाई ने भी पूछा कि जिला या प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तो कहाँ पर वो जाएंगे, ब्लॉक में किस जगह पर जाएंगे? देखिए, प्रखंड में जहाँ सूचना केंद्र हम लोग बना रहे हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ सबसे नज़दीक जगह होगा जहाँ से वो सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावे हम लोग जिला में भी जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ भी कियोस्क लगाएंगे, राज्य स्तर पर भी लगेगा, किसान जिला में भी जाके सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रखंड में भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं बता रहा था, सिर्फ बीज दवा और ये कीटनाशक दवा और उर्वरक ही नहीं, यदि कोई जो उसका विक्रय व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं और अनुज्ञप्ति जो है आपको उसी से ऑनलाइन, जैसे अभी प्रज्ञा केंद्र में जाति प्रमाण पत्र ये निर्गत हो रहे हैं, उस तरह से लाइसेंस भी उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, हम यहाँ रुकना चाहेंगे आपको, एक किसान भाई हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हेलो सर।
जी कृषि आसन में आपका स्वागत है। क्या प्रश्न? मैं राजकिशोर कुमार बोल रहा हूँ से। जी सर, मेरा यह सवाल है कि जो अभी ऑनलाइन आप लोग सुविधा दे रहे हैं ब्लॉक स्तर पे, वो हम किसान भाइयों को वहाँ फ्री में कुछ शुल्क, फ्री में वो सूचना मिल जाएगी या तो फिर वहाँ कुछ हम लोग को जाने से फीस लगेगा? नहीं, अभी जो व्यवस्था है वह निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी, और उसमें योजना में ये नहीं है कि सूचना लेने के लिए आपको उसमें पैसे देने पड़ेंगे। वह निःशुल्क सूचना होगी और सभी तरह की सूचना होगी। उसमें आपको बाजार दर भाव इसकी भी सूचना मिलेगी, बाजार में किस जो कृषि उत्पाद है उसका अराइवल क्या है, कितना आ रहा है, कितना नहीं है, क्या शॉर्टेज है, इसकी सूचना मिलेगी ताकि उसका विक्रय करने की बात सोच सकें। मौसम की जानकारी वहाँ पर मिलेगी आपको, आपको कहाँ कहाँ डीलर हैं जहाँ से ये चीज़ मिलेगा, कृषि उपकरण कितने तरह के हैं कहाँ मिल सकते हैं इसकी जानकारी आपको मिलेगी। उसमें आपको फार्मर्स पोर्टल भी अभी है जिसपे कि हम लोगों ने विक्रेताओं की सूची को अपलोड किया है, वहाँ से देख के उसकी सूचनाएं ली जा सकती हैं। उसके बाद जो उन्नत तरीका है खेती करने का वो सूचना वहाँ पर रहेगा, वो सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारी सूचनाएं सूचना केंद्र में भी प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी प्रज्ञा केंद्र है या कहीं भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है तो वहां से भी जाके उस सूचना को एक्सेस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कियोस्क जो रहेगा वहां से उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। तो कई जगह होंगे जहां पे ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आत्मा प्रोग्राम और NEGP को हम लोगों ने एक साथ मिलाया है ताकि आत्मा का काम है कृषि प्रसार करना और NEGP का काम है सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो दोनों प्रोग्राम को हम लोग ब्लॉक लेवल पे उसका कन्वर्जेंस कर रहे हैं ताकि सूचनाएं आपको मिले और कृषि प्रसार जो है वह त्वरित गति से हो और किसानों को तुरंत और ये सूचनाएं प्राप्त हो सके। बिल्कुल, यही प्रश्न हम जानना चाह रहे थे कि ये जो काम है इसमें कौन कौन सी एजेंसी लगी हुई है, तो क्या ये जैसा कि आप बता रहे थे कि आत्मा लगी हुई है या कौन और भी कोई एजेंसी है जो इस कार्य के लिए ई गवर्नेंस की जो सूचना है वो किसानों तक पहुंचा रही है? देखिए, NEGP जो प्रोजेक्ट है नेशनल ई गवर्नेंस का, तो हर अभी आपको पता होगा कि जो आपको राष्ट्रीय जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो होते हैं NIC जो होता है हर जिले में उपलब्ध है, वो भारत सरकार के द्वारा सेटअप है, हर जिले में उसका केंद्र है, हर जिले में। हम बात करेंगे, किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कृषि शासन कार्यक्रम में, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, मैं दुर्गा प्रसाद साहु बोल रहा हूँ। जी साहु जी। हाँ, तमान ब्लॉक ग्राम उली जी से बोल रहे हैं सर। जी हाँ, ये खेती के ये ई गवर्नेंस का प्रोग्राम किया जा रहा है ब्लॉक स्तर है संदेश सर, उसमें जैविक खेती का ही अधिक प्रचार हो, क्योंकि आज जितना भी खेती हो रहा है सब पेस्टिसाइड के क्या जितने मिश्र कीट मारे जा रहे हैं और सर मारे जा रहे हैं और जमीन उर्वरक सब बनता जा रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है समझे ना सर, ई गवर्नेंस से किसानों को ऐसा प्रचारित किया जाए कि अधिक से अधिक जैविक खेती का प्रचार हो, तभी आप स्वस्थ रहेगा, डॉक्टरों का जरूरत नहीं होगा, किसी भी चीज का जरूरत नहीं, आप भी स्वस्थ रहेंगे। पहले आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता था, खेती करते थे, आज इतना पेस्टिसाइड किया जा रहा था, इतने मित्र कीट मारे जा रहे हैं। हमारा प्रार्थना है, बिल्कुल ये जो बोलना चाह रहे हैं कि वो जैविक खेती का अधिक से बिल्कुल ये भी तो होगा ही। हाँ बिल्कुल, मैंने जो भी सूचना होगी वह जैविक खेती के संबंध में भी जो सूचनाएं होंगी तरह तरह से कि जैविक की खेती कैसे करनी है और उसके जो विभिन्न आयाम है वो सूचना भी आपको मिलेगी, हर तरह की सूचना मिलेगी। यही नहीं, जैसा आपने सवाल उठाया कि हम लोग उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करके या कीटनाशक दवा का प्रयोग करके जो मिट्टी खराब हो रही है या जो प्रदूषित खाद्य सामग्री हो रही है, तो हम लोग जो आपके मिट्टी का स्वास्थ्य क्या है इसकी भी जानकारी हम लोग ई गवर्नेंस से आपको उपलब्ध होगा कि इस तरह से आप करने से आप मिट्टी का स्वास्थ्य बना रख सकते हैं और आप उपज निरंतर अच्छा ले सकते हैं, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा तो कुछ दिनों तक तो अच्छी उपज देगी लेकिन बाद में मिट्टी बीमार हो जाने पे अच्छी उपज हमारे किसान भाई नहीं ले सकते हैं, तो उसके स्वास्थ्य की भी जानकारी हम लोग उसमें देंगे शामिल किया जाएगा। और मत्स्य पालन क्या, उसके बाद और जो आपको मवेशी कैसे पालन करना है,
आपको आपको इसका जो है आपको दुग्ध दुग्ध पालन के लिए जो अभी आप काम करते हैं, ये तमाम सूचनाएं आपको ई गवर्नेंस से उपलब्ध होगी और आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इंटरनेट के माध्यम से किसानों को ये सूचनाएं सुलभ होंगी और किसान की बात भी हम लोगों तक तुरंत पहुंच पाएगा। बिल्कुल, एक किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी सर, हेलो। बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, क्या जानना चाहते हैं आप ई गवर्नेंस के बारे? हेलो हेलो जी, आपका क्या प्रश्न है? आप हमारे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछें। लगता है हमारी आवाज, बिल्कुल आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप क्या जानना चाहते हैं पूछें, अपना प्रश्न पूछें। लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। चौधरी साहब, जितनी भी बातें हो रही हैं ई गवर्नेंस के बारे, आमतौर पर जैसा कि हम शुरू से देखते हैं कि झारखंड में जो किसान हैं दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, गरीब किसान हैं, ई गवर्नेंस वाली बात एक प्रगतिशील जो देश है उसके दूर दराज में रहने वाले किसानों के लिए थोड़ी सी अटपटी सी लगती है। किस तरह से झारखंड के किसान इससे लाभान्वित हो पाएंगे, किस तरह से इसका उपयोग कर पाएंगे? देखिए, एक तरफ तो ये लगता है कि झारखंड के किसान ये जो कृषि क्षेत्र में अभी उतना उन्नत नहीं है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के हमारे किसान हैं तो वो उतने जागरूक नहीं हैं, तो कैसे इस सूचना का, इस प्रोग्राम का लाभ उठाएंगे, एक तरफ यह भी प्रश्न है। लेकिन आप देखेंगे कि भारत सरकार ने जिन राज्यों को इसमें शामिल किया है उसमें ये देख के चुना है कि किन राज्यों में आपको जागरूकता की कमी है और वहीं इसका अधिक पोटेंशियल है जहां पे हम किसानों की समस्या का समाधान के लिए, त्वरित समाधान के लिए खड़े हो सकते हैं। तो हम लोग इसको, मैंने बताया कि इसको हम लोग अच्छे पैमाने पे हम लोगों को किसानों को प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे इसका लाभ उठाया जा सके। यदि कहीं पे हम लोग किसान के एक समूह को प्रशिक्षित कर देंगे, हर पंचायत से भी एक दो आदमी को प्रशिक्षित कर देंगे, तो फिर बाकी किसान भी धीरे धीरे आगे आएंगे। और मैं बता देता हूँ कि श्री विधि का अभियान हम लोगों ने 2 साल पहले यहाँ शुरू किया और आज आप गांव जाएंगे तो श्री विधि की सभी बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड के किसान और जो भी अनुसूचित जनजाति के किसान हैं वो कहीं पीछे हैं, जरूरत है उनको सूचना देने का और आज के समय में ज्ञान और सूचना सबसे बड़ा हथियार है और हम अपने किसानों को इस प्रोग्राम के माध्यम से इस हथियार से हथियार को देना चाहते हैं, सूचना और ज्ञान को, ताकि कृषि की समस्याओं से वो अच्छी तरीके से निपट सकें और अच्छा उत्पादन करके राज्य और देश में गौरव प्राप्त कर सकें। ये जितने भी आपने कहा कि जितने भी आंकड़े होंगे वो सारे कंप्यूटर के अंदर मिल पाएंगे, तो उम्मीद है कि जो किसान भाई ई गवर्नेंस से जुड़ना चाहते हैं वो कृषि के तमाम आयामों के बारे जान पाएंगे, वो समझ पाएंगे कि उन्हें बीज कहाँ से लेना है, किस तरह के बीज लेने हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस तरह के कीटनाशकों का उपयोग किया जाए, किस तरह से विपणन किया जाए, यानी कि कह सकते हैं कि कृषि से जुड़ा हुआ या पशुपालन से जुड़ा हुआ तमाम आयाम ई गवर्नेंस के तहत समाहित होगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप इससे जुड़ेंगे और एक प्रगतिशील किसान होने का दायित्व निभाएंगे। चौधरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे किसान भाइयों को ई गवर्नेंस के बारे, जो कि एक नए विषय भी है, नया विषय हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके बारे जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हम चाहते हैं आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद। एवं किसान भाइयों को जवाब।